नमस्कार, एस्ट्रोटॉक के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमरनाथ मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा की। भगवान शिव के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में से एक है अमरनाथ गुफा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं ताकि वो बर्फ से बनी हुई शिवलिंग के दर्शन कर सके, जो कि एक गुफा के अंदर बनी हुई है। कहा जाता है कि अमरनाथ गुफा में शिवलिंग का आकार चांद की अलग अलग कलाओं के हिसाब से घटता या बढ़ता है। शिवलिंग के साथ साथ यहाँ बर्फ की दो और रचनाएं भी हैं, जिन्हें माँ पार्वती और गणेश माना जाता है। वैसे तो ये गुफा बर्फ से ढकी हुई होती है, पर गर्मियों में मई से अगस्त के बीच में गुफा के आसपास की बर्फ पिघल जाती है और सिर्फ इन्हीं चार महीनों में लोग यहाँ के दर्शन कर सकते हैं। अमरनाथ दो शब्दों से बना है, अमर मतलब जो कभी ना मरे और नाथ मतलब भगवान। इस गुफा को ये नाम इसीलिए मिला क्योंकि ये वो गुफा है जहाँ भोलेनाथ ने माँ पार्वती को अमर होने का रहस्य बताया था। हमारे पुराणों के मुताबिक इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब माँ पार्वती ने शिवजी से पूछा कि वो मुंड की माला क्यों पहनते हैं। तब शिवजी ने उनसे कहा कि हर बार जब भी पार्वती जी जन्म लेती है तब वो माला में एक और मुंड यानी कि सर जोड़ देते हैं। तब पार्वती जी ने शिवजी से पूछा कि मुझे हर बार नए रूप में आना पड़ता है और सालों तपस्या करने के बाद आप मुझे मिलते हो, मेरा इतना मुश्किल इम्तिहान क्यों, मुझे भी अमर होने का रहस्य बताइए। इस पर शिवजी ने उनसे कहा कि वो अमर कथा की वजह से अमर है और जो भी ये कथा जानता है वो अमर हो जाता है। शिवजी ने उन्हें समझाया कि ये कथा एक रहस्य है और इसके बारे में कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि भगवान भी इस कथा के बारे में नहीं जानते। सिर्फ त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश ही इस पवित्र कथा को जानते हैं, लेकिन अमर कथा सुनने के लिए पार्वती जी के जोर देने पर शिवजी मान गए और उन्होंने एक गुप्त जगह चुनी जहाँ कोई भी प्राणी ना हो, और वो जगह थी अमरनाथ गुफा। अमरनाथ के रास्ते में भोलेनाथ ने अपनी सवारी नंदी को पहलगांव पर छोड़ दिया, जटाओं से चंद्रमा को चंदनवाड़ी में अलग कर दिया, शेषनाग झील के किनारे पर अपने सांपों को छोड़ दिया, महागुनास पर्वत पर अपने पुत्र गणेश को और पंचतरणी पर महादेव ने पांचों तत्वों को अपने से अलग कर दिया। इसके बाद शिवजी ने पार्वती जी के साथ अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया। शिवजी ने अपनी समाधि ली और अमर कथा सुनाने लगे। कथा सुनाने के बीच में ही पार्वती जी सो गई क्योंकि कथा बहुत लंबी थी और वो अमरनाथ के सफर से काफ़ी थक गई थी, लेकिन शिवजी को पता ही नहीं चला कि पार्वती जी सो गई थी और वो अपनी कथा सुनाते रहे। इस दौरान दो सफ़ेद कबूतर गुफा में मौजूद थे और वो कथा सुन रहे थे। कबूतरों की मंद मंद आवाज़ से शिवजी को लगा कि पार्वती जी कथा सुन रही है और इसी दौरान कबूतरों ने पूरी कथा सुन ली। कथा खत्म होने के बाद शिवजी का ध्यान पार्वती जी की ओर गया जो कि सो रही थी। जब महादेव की नज़र कबूतरों पर पड़ी तो वो बहुत क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। तब कबूतरों ने भोलेनाथ से कहा कि हमने आपसे अमर कथा सुनी है, अगर आपने हमें मार दिया तो अमर कथा झूठी हो जाएगी। इस पर शिवजी ने उन्हें छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वो हमेशा इस जगह शिव पार्वती के प्रतीक के रूप में रहेंगे, और इस तरह ये गुफा अमरनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुई। कहते हैं कि आज भी इन दोनों कबूतरों के दर्शन भक्तों को गुफा में होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और हमें नीचे कमेंट्स में बताइए, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक करें। थैंक यू।